Hyundai Creta S ऑप्शनल मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अगर हम फीचर्स के हिसाब से कंसीडर करें, बिकॉज इसमें आपको मिलनी शुरू हो जाती है सनरूफ, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, 17 इंचेस के अलॉय व्हील जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाती है। और ये वेरिएंट स्टार्ट होता है 14,02,000 एक्स शोरूम प्राइस पे। और अच्छी चीज़ ये है, चाहे आप पेट्रोल लेते हो उसमें भी आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, चाहे आप डीजल लेते हो इसमें भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। यानी कि एक ये ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सारी ही ट्रांसमिशन मिल जाती है। आप लोग सिर्फ ये देखने कि आपको ये फीचर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपको सारी ऑप्शन चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट पे जाना पड़ेगा जो कि एस एक्स ऑप्शनल है। उसमें आपको एडिशनली 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि इसमें हालांकि मिसिंग लगेगा, बट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनाने के लिए आपको ये इंजन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले तो आपको इसमें मिल जाती है LED DRL जो कि कनेक्टेड ऑफर की गई है, बड़ा आपको ग्रिल मिल जाती है पियानो ब्लैक की, एंड इसमें आपको क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं। साइड प्रोफाइल पे देखोगे तो आपको मिल जाते हैं इसके 17 इंचेस के व्हील्स, पर ध्यान रखें अगर आप एस ऑप्शन लेते हो तो इसमें आपको मिल जाते हैं ब्लैक अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं जो कि 17 इंचेस के मिल जाते हैं। बाकी मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग मिल जाती है, और इसका जो ORVM है उस पर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाता है जो कि आपको इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ऑफर किया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इसके जो ड्राइवर साइड है उस पर तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। रूफ गार्निशिंग जो कि ग्रे कलर की ऑफर की गई है, एंड इवन आपको यहाँ पे भी पूरे ग्रे की फिनिशिंग मिल जाती है। नेक्स्ट ऑल फोर डिस्क ब्रेक भी आपको, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लेते हो, चाहे आप बेस वेरिएंट लेते हो, तब भी आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी क्रेटा के सभी वेरिएंट पे। वैल्यू फॉर मनी मैंने क्यों कहा, बिकॉज इसमें आपको सारे जरूरी फीचर मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल चेक करोगे आपको डीफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना सब कुछ मिलता है। LED टेल लैंप्स जो कि कनेक्टेड आपको पूरी मिल जाती है, एम्बेडेड लोगो जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बेस मॉडल से ऐसा सेम आपको लोगो मिलना शुरू हो जाता है। और ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा जो कि डायनामिक गाइडलाइंस के साथ ऑफर किया गया है। बाकी इसका हैवी रियर बम्पर भी मिल जाता है, और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली बेस वेरिएंट में इसमें आपको जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऑफर किए जाएंगे। ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको सिर्फ क्रेटा की बैजिंग मिलती है, SX की नहीं मिलती, वो आपको बिकॉज ये S ऑप्शनल है। बट अगर आप SX या SX टेक या SS ऑप्शनल लेते हो तो सभी में आपको सेम बैजिंग मिलेगी SX की। नेक्स्ट आ जाता है इसकी बूट स्पेस, अगर हम करें तो 455 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जिसपे आपको 3 से 4 लोग का आराम से सामान रख सकते हो। पार्शल ट्रे भी आपको बड़ी और मिल जाती है जिसपे आप 3-4 किलो का सामान आराम से कैरी कर सकते हो। बाकी लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है इसका बूट लैंप जो कि आपको बल्ब ऑफर किया गया है, और डिफ्यूज़र के साथ आपको मिल जाती है लाइट, एंड राइट साइड पर आपको हुक मिल जाती है। अगर हम इसका स्पेयर टायर चेक करें तो ये आपको मिल जाता है 16 इंचेस का स्टील व्हील स्पेयर टायर ऑफर किया गया है अपोलो की तरफ से। अब हम चलेंगे अंदर, आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं वो चेक करते हैं, लेट्स गो। सो इस तरह की आपको स्मार्ट कीज मिल जाती हैं, एंड रिक्वेस्ट सेंसर जैसे कि मैंने बताया ड्राइवर साइड पे आपको मिल जाता है, जस्ट इसको आपको बटन प्रेस करना है, हालांकि लॉक नहीं थी। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे विंडोज़ के कंट्रोल जैसे कि ORVM के, एंड यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग ऑफर की गई है। क्रोम डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए गए साटिन क्रोम फिनिशिंग के साथ, एंड स्टोरेज स्पेस पे आपको 1 बॉटल होल्डर और न्यूज़पेपर टिश्यू पर रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। स्पीकर्स की बात करें तो 6 स्पीकर सिस्टम आपको ऑफर किया गया है, एंड इसकी सीट्स की बात करें, चाहे आप रियर इसका बेस वेरिएंट लेते हो चाहे टॉप वेरिएंट लेते हो, तो आपको ग्रे कलर का ड्यूलटन इंटीरियर ऑफर किया गया है इसकी अपहोल्स्ट्री पूरी। हालांकि इसका जो एस ऑप्शनल तक है वहां तक आपको पूरी फैब्रिक सीट्स मिलती है, बट फैब्रिक सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा नहीं, मिसिंग नहीं लगेगा क्योंकि लेदर सीट होती तो और अच्छा होता। ये भी आपको बहुत पसंद आएंगी। सीट का अंडर थाई सपोर्ट कुशनिंग भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो ड्राइवर सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, तो अपने हिसाब से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और मैं सामने देख पा रही हूँ पूरा बोनट दिख रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गाड़ी में बैठी हूँ। तो फन टू ड्राइव एलिमेंट या गाड़ी चलाने में मजा तो आपको डेफिनेटली आएगा।
स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया गया, हालांकि इस पर लेदर रैपिंग नहीं है, इसके अपर वेरिएंट आपको लेदर रैपिंग मिल जाती है। बट अच्छी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए तो फीचर्स, तो फीचर्स में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इसमें, बाकी सारे आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल में ऑडियो के इसमें क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको, इस तरफ आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और अगर आप एस ऑप्शन लेते हो तो इस वेरिएंट से पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलना शुरू होता है। इसके जो नीचे वाले वेरिएंट जैसे कि एस हो गया, ई एक्स हो गया या ई हो गया, उसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का फीचर नहीं मिलता। अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ट्रैवल को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वॉल्व वन का कार परफ्यूम। ये है वन स्प्लैश, बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। मैं अभी रिसेंटली इसको गर्मियों में यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छी वाइब देता है ये, पूरी गाड़ी में पूरा फैल जाता है, सब इंजॉय करते हैं। मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता। 10% डिस्काउंट के लिए ऑडिबल कूपन कोड अप्लाई करें, एंड अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, बट जो कूपन कोड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लग जाएगा। डैशबोर्ड भी आपको ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ ऑफर किया गया है, एंड लुक एट द स्क्रीन्स, बहुत ही अच्छी लग रही है। हालांकि 8 इंच की आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारपे कनेक्टिविटी के साथ, एंड जिसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कलर्ड TFT MID के साथ ऑफर किया गया, छोटी स्क्रीन है, बाकी आपको फिक्स्ड मिल जाता है, वो भी डेफिनेटली देखने में अच्छा लगता है। हालांकि टॉप एंड वेरियंट में आपको पूरा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसपे तो इवन इन बिल्ट नेविगेशन भी मिल जाती है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। प्लस इसमें मैग्नेटिक पैड मिल जाता है, चाहे आप बेस वेरिएंट लेते हो चाहे टॉप लेते हो, तो आपको मैग्नेटिक पैड मिल जाता है जिसके आप अपनी कोई भी एक्सेसरी यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। उसके अलावा आपको इस वेरिएंट से ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल क्या है कि मैं अपने हिसाब से इस साइड का ड्राइवर सेट का टेम्परेचर सेट कर सकती हूँ, फैन की स्पीड सेट कर सकती हूँ, और जो को ड्राइवर वो अपने हिसाब से टेम्परेचर स्पीड सेट कर सकता है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की हेल्प की वजह से। सेंटर कंसोल आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है पैनोरामिक फिनिशिंग के साथ, और जैसे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन IVD ट्रांसमिशन पेट्रोल के साथ। इससे आपको ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, ट्रैक्शन मोड भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाती है, ऑटो ऑल फीचर के साथ कप होल्डर आपको ऑफर किए गए हैं, एंड गियर नॉब पे भी आपको प्रॉपर लेदरेट फिनिशिंग देखने को डेफिनेटली अच्छी लगेगी। प्लस आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, जो इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिल जाता है, जो कि स्टोरेज स्पेस के साथ ऑफर की गई है। नेक्स्ट इसकी जो खास बात आती है वो है दिस साइड, इस पर भी आप एक्सेसरी होल्ड कर सकते हो, और इसके एसी वेंट का डिज़ाइन काफ़ी स्लीक मिनिमलिस्टिक सा रखा गया है, जो कि ओवरडू बिल्कुल भी नहीं रख रहा। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आपको ग्रिप के साथ ऑफर की गई है, इसकी वजह से अगर सामान रखते भी हो तो वो होल्ड रहेगा। देन आ जाता है कूल्ड ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी यस इसमें आपको मिलना शुरू होता है, हालांकि इसका जो एस वेरिएंट है उसमें भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। इसका डेफिनेट इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर कोई ठंडी चीज़ है उसको ठंडी चीज़ में रखने को हेल्प करता है। थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो इसमें आपको मैनुअल IRBM ऑफर किया गया है, और सनग्लास होल्डर भी आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। देन आ जाता है स्लिप होल्डर, इस तरफ आपको मिल जाता है बड़ा सा वैनिटी मिरर, प्लस आपको मिल जाता है इस वेरिएंट में सनरूफ, बिकॉज इस वेरिएंट ये जो मतलब मेन इसकी जो खास बात ये है सनरूफ, बिकॉज इस वेरिएंट से स्टार्ट होता है 14,32,000 के प्राइस पे। डेफिनेटली अगर मुझे क्रेटा का कोई वेरिएंट कंसीडर करना हो कोई वैल्यू फॉर मनी, तो डेफिनेटली मैं एस ऑप्शनल ही चूज करूंगी। अब इसमें अब जो सीट्स है काफ़ी कंफर्टेबल है, इवन पैटर्न भी मिल जाता है, तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता, और इसके जो फ्रंट रो हेडरेस्ट है आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अब चेक करते हैं इसकी सेकेंड रो सीट्स, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल मिल रही है। जो ड्राइवर सीट है मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट की है, तो देख सकते हो अंडर द सपोर्ट हल्कि थोड़ी सी ज़्यादा आके, बट इतनी भी अगर स्पेस हो तो वो तो डेफिनेटली आपको खुली डुली स्पेस मिल जाएगी, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज टनल जो है इतनी बड़ी नहीं है। और फीचर्स की बात करूँ तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, और इवन आर्मरेस्ट भी ऑफर की गई है, अगर हम आपको दिखा दूँ काफ़ी बड़ी आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, वो भी आपको कप होल्डर के साथ ऑफर की गई है, तो कंफर्ट का तो पूरा ध्यान रखा गया है। देन आपको मिल जाते हैं इसमें AC वेंट्स एंड चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं Type-C, वो भी 2-2 स्टोरेज स्पेस के साथ दिए गए हैं। और इवन मैं फ्रंट में बताना भूल गई, फ्रंट में भी आपको USB Type-A पोर्ट, C पोर्ट, 12-volt सॉकेट, सब कुछ आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी सनरूफ काफ़ी बड़ी है, पीछे तक व्यू आपको मिल जाता है, और एक खास बात है कि 60-40 रेशियो स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। ये खास बात यह है कि इसमें आपको 2-step रिक्लाइन सीट्स मिल जाती है, तो अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो 1 एंड 2,
तो आपको टू स्टेप रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर सीट्स मिल जाती हैं। विंडो साइड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे भी जो स्टोरेज स्पेस है, बॉटल वन बॉटल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन ट्रीटमेंट मिल जाता है। रियर विंडोज़ की क्या खास बात ये कि इसमें आपको सन शेड ऑफर किया गया है, जो कि आपको धूप से बहुत बचाने वाला है, बिकॉज गर्मियों में ये वाला फीचर तो बहुत ही काम आएगा। ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी क्यों मैं कह रही हूँ, बिकॉज इसके ऊपर जो वेरिएंट है एस एक्स, देन उसके ऊपर आ जाता है एस एक्स टेक। तो ये है एस ऑप्शनल, और एस एक्स टेक जिसका ऊपर वाला वेरिएंट है, तो इसमें 1 लाख का डिफरेंस है। और अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक मिल जाता है, बट इसके ऊपर वाला अगर वेरिएंट लेते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की गई है। यानी कि अगर आपको पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक लेना है या डीजल के साथ मैनुअल या ऑटोमेटिक लेना है, तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगी, उसके ऊपर आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट है, मतलब 16 लाख तक का आप एक्स शोरूम ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको एस एक्स टेक लेना चाहिए। एक्स शोरूम प्राइस तो ऑनरोड करते करते 18 का पड़ जाएगा, बट उसकी अच्छी चीज़ ये है कि उसमें आपको और एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि 10.25 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, जो इंसमेल क्लस्टर अब आपको फुली डिजिटल ऑफर किया गया, ह्यूंडई के कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, उसके अलावा और भी फीचर एंड ह्यूंडई के ह्यूंडई सेंस फीचर यानी कि एडस फीचर भी मिल जाते हैं, वो मिलते हैं आपको एस एक्स टेक में। अगर आप एस एक्स लिखते हो यानी कि इसके एक ऊपर वाला, उसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलेगी जो कि है पेट्रोल मैनुअल ऑप्शन, बट उसमें फीचर्स में क्या फ़र्क आ जाता है, एक तो आपको स्क्रीन मिल जाती है 10.25 इंचेस की, ध्यान रखें कि इसमें जो इंसुलेशन क्लस्टर है वो सेम ही मिलेगा, उसके अलावा आपको वॉइस अनेबल्ड सनरूफ मिल जाती है। सनरूफ तो इसमें भी मिलती है, बट इसमें आपको बटन के साथ खोलनी पड़ती है, बट इसके ऊपर वाला वेरियंट है उसमें आपको वॉइस अनेबल यानी कि बोल के भी सनरूफ ओपन कर सकते हो। वायरलेस चार्जर ऐड हो जाता है, सेमी लेदरेट सीट्स ऐड हो जाती हैं, तो इस तरह के फीचर्स जो थोड़े बहुत हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एस ऑप्शनल इज वैल्यू फॉर मनी अगर हम फीचर्स के साथ हिसाब से कंसीडर करें। बाकी जितने फीचर मिले उतने कम है, बट उस हिसाब से प्राइस भी इंक्रीमेंट होता रहता है, यानी कि 1 लाख में मुझे नहीं लगता कितना जस्टिफाइड है। या तो आप एस ऑप्शनल लो या फिर सीधा एस एक्स टेक ही आप कंसीडर करो, तो ये वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली मेरे हिसाब से है। आप जरूर अपने ओपिनियन शेयर करें कि आपको एस ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा है। वैसे हमने इसके ई यानी कि बेस मॉडल ई एक्स, इसका जो सेकंड बेस है, एंड इसका जो एस वेरिएंट है इसके नीचे वाला, उसकी भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, उसे भी चैनल पर चेकआउट जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।